हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी को बता रहा हूँ, प्ले स्टोर से जब आप कोई सा भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होता, साथ ही यहाँ पे आपको राउंड 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 इस तरह का शो करता है इंस्टॉलिंग करके, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, मतलब आपको दिखता रहता है बट यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं होता आगे का। तो गाइस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको दो रीजंस बता देता हूँ क्यों होता है ऐसा। तो गाइस एक तो स्टोरेज की कमी, और दूसरा अगर आपने नया फोन लिया है, आपके फोन में स्टोरेज अवेलेबल है, फुल स्टोरेज अवेलेबल है, तब भी यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो गाइस अगर आपके फोन में स्टोरेज नहीं है तब तो ऐसा होगा ही होगा। वैसे आप लाइट कर सकते हो इस ट्रिक को, कहीं बाय चांस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट कई फोन में ऐसा होता है स्टोरेज होता है तब भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आप सभी को। तो गाइस इसी के बारे में बताने वाला हूँ इसी टॉपिक पर, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, होपफुली आप भी इजिली ट्रिक को अप्लाई कर पाए। तो गाइस सिंपली मैं साइड में स्क्रीन शो कर देता हूँ, प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो गाइस अब आपको सिंपली करना क्या है, चाहे वो ओप्पो का फोन हो, चाहे वीवो का फोन हो, या फिर एमआई का फोन हो, या कोई सा भी ब्रांड्स का फोन हो, सभी फोन्स में फोन सेटिंग का ऑप्शंस अवेलेबल है। सिंपली आपको फोन सेटिंग ओपन कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सिंपली आपको सेटिंग सर्च पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है इंस्टॉल्ड ऐप और उस पर क्लिक कर देना है जब आपने सर्च आउट कर लिया है। तो गाइस यहाँ पे आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होंगे या फिर इनबिल्ट होंगे सभी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में सो जाएंगे, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फोन पे हो, या फिर कोई सा भी एप्लीकेशन हो, 110% आपको यहाँ पे शो करेगा। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे सर्च आउट कर लेना है कि आपका गूगल प्ले स्टोर कहाँ पे है, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो अनइंस्टॉल का, एक तो आपको मिल जाता है फोर्स स्टॉप का, या फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर डाटा का, या आपके फोन में अलग लैंग्वेज होगा क्लियर कैचेस। तो गाइस सिंपली आपको क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है, या फिर आपके फोन में क्लियर ऑल डाटा होगा ऑप्शन तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करने के बाद डेफिनेटली 110% मैं श्योर हूं कि आपके फोन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस कुछ इसी तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बहुत सारे फोन्स में यार ये सब प्रॉब्लम फेस होता रहता है, बहुत सारे फोन्स में अवेलेबल होता है ये सब प्रॉब्लम, सॉल्यूशन मिल गया होगा इस वीडियो से। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से मदद मिली हो, तो गाइस प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम आप सभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।